पंजाब के घुग वस्ते शहर लुधियाना के केंद्र विच स्थित हाँ। मैं गुरु अंगद देव वैटनरी अते एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी। पशु धन कित्तियां लई विद्या अते सेवावां देना है मेरा फर्ज। सन 2006 विच मेरी स्थापना हुई। इस तो पहला कॉलेज ऑफ वैटनरी साइंस वालों ये योगदान दिता जा रहा सी। विश्व प्रसिद्ध संस्था पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी मेरा पेका परिवार है, जिथों 2006 विच मेरी नवी होंद बनी अते मां ती वाला रिश्ता होर निगा हो गया। पर साडा अजे भी बड़ा कुछ सांझा है। पशु पालन कित्तियां दे पंजाब दे अर्थचारे विच वधदे योगदान कारण एक नवी संस्था दे रूप विच मेरा घर होंद विच आया। कॉलेज ऑफ वैटनरी साइंस तो मेरा विस्थार हो के सन 2008 विच मेरे दो नवे कॉलेज होंद विच आए, कॉलेज ऑफ फिशरीज अते कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्हां कॉलेजां ने मच्छी पालन अते दुध संभाल दे खेत्र विच जिक्र योग उपराले कीते। पंजाब अते गुआंढी राज्यां दे किसान मेरी काबिलियत नूं वेखते हुए मेरे कोल नवां ज्ञान लैण आउंदे अते अपनियां सलाहां वी दे के जांदे। उहनां दे होर नेड़े होण लई तीन नवें कृषि विज्ञान केंद्र ज़िला तरन तारण, बरनाला ते मोहाली विखे बनाए। इलाका आधारित खोजां नूं प्रमुखता देण लई खेतरी खोज ते सिखलाई केंद्र तलवाड़ा तरन तारण ते काल चराणी विखे बनाए गए। काल चराणी विखे वैटनरी पॉलीटैक्निक की भी स्थापना की गई, पर मेरिया जिम्मेवारियां वधदियां गईयां अते अपने भैणां भरावां नूं होर सहूलतां अते बच्चियां नूं विद्या देण लई सन 2019 विच कॉलेज ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी अते सन 2019 विच ही कॉलेज ऑफ वैटनरी साइंस रामपुरा फूल भी बना लए। तुसीं कहना एवें अपनियां तरीफां छो लईयां, पर परदे नाल तुहानू ये भी दस देवां कि सप्पां वाली अबोहर फाजिलका विखे भी असी एक नवां खेतरी खोज ते सिखलाई केंद्र अते आधुनिक पशु हस्पताल बनाउण दा काम आरंभिया होया है। कॉलेज ऑफ वैटनरी साइंस का एक वड्डा काम है अणभोल पशुआं नू इलाज सेवावां देना। इत्थे सेवा देंदे मेरे डॉक्टर बच्चे पूर्ण तौर पर गुरु अंगद देव साहब दे पशु सेवा दे जज्बे नू समर्पित ने। हर साल पंजाब अते दूजे सूबिया दे 30,000 तों वधेरे पालतू जानवरां अते छोटे वड्डे पशुआं दा सफल इलाज इस हस्पताल विखे कीता जांदा है। इस कॉलेज दे वक्खो वक्खरे विभागां विच पशु बीमारियां दे इलाज, खुराक निरीक्षण, उत्पादां, सलाहकारी अते विद्यार्थियों की विद्या बारे खोज ते अध्ययन कार्य लगातार चलते रहते हैं। मेरे डॉक्टर बच्चे इत्थों विद्या लैके पंजाब जां भारत के दूजे सूबियां विच ही नहीं सगों विदेशों विच भी मेरा नाम रोशन कर रहे हैं। मेरा डेयरी फार्म, मुर्गी फार्म, बकरी फार्म अते सूर फार्म बड़े वधिया उत्पाद पैदा करन लई सुचजे यतन कर रहे ने। कई एकड़ रकबे विच इन्हां रब दे जीआं लई उत्तम किस्म दे चारे अते फसलां बीजियां जांदियां ने। किसानां नूं ज्ञान देण लई सूचना केंद्र अते टैली एडवाइजरी सेवा दा सार्थक उपराला भी जारी है। पसार सिख्या अते सिखलाईयां राहीं मेरा अपने वीरां भैणां दे नाल निजी रिश्ता जुड़दा है। कॉलेज ऑफ फिशरीज़ बड़े वड्डे खेत्र विच तालाब बना के मच्छी पालकां लई सेध लैण दा एक केंद्री स्थान बन गया है। सेम वाले इलाके की हज़ारां एकड़ जमीन आबाद करन अते झींगा पालण लई किसानां दा राह दसेरा होण दा सिरा इसे कॉलेज नूं ही जांदा है। कॉलेज ऑफ डेयरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी दुध अते दुध उत्पादां लई सिक्ख्या देण दा एक रोशन मीनार बन चुका है। उत्तम उत्पाद तैयार करन ते चंगी मंडीकारी दे नुक्ते सिखा के इस कॉलेज ने पंजाब नूं दुध प्रधान राज बनाउण विच अहम भूमिका निभाई है। कॉलेज ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी अपने विषय विच खोजां अते सिक्ख्या लई एक मोहरी संस्था बन के उभरिया है।
ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੋਕਾਈ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਹੇਗੀ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਵਨ ਹੈਲਥ ਇਸੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸ਼ੂ ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਲਾਕ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਫੈਸਲਾ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਆਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੂਝਵਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੌਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਅ ਮਾਣਦਿਆਂ, ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਘੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸਦਾ, ਇਹ ਪਰਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣੇ ਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਏ। ਇਹ ਭਵਨ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਯਾਦਾਂ ਬੜੀ ਤਾਂਘ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹੇ, ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਖੇਡੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਖੇਡੀ ਚਲੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ। ਸ਼ਾਲਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸ਼ਾਲਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਮੇਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ।